हेलो गाइस, मैं मनोज अग्रवाल आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर को शुरू करके हम पहले इसकी थ्योरी और फिर उसके सम सॉल्व करेंगे। अब होता क्या है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, नाम ही उसका दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर दो चर आएंगे, मान लिया x और y रैखिक है तो एक घात का, मतलब कैसा बनेगा इसका जनरल समीकरण, ax plus by equal to c is the general form of linear equation of two variable, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य समीकरण, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है कि जब हम ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। इस टाइप से हम लिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ विधि को देखना है, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करने की वेरियस मेथड्स होती है, तो और उसके बाद उन पहले लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना एंड देन सॉल्व करना। तो इस प्रकार की तीन टाइप की प्रॉब्लम हमको इसमें आती है। तो अब अपन ने क्या करें, शुरू करें जो हमारे सिलेबस में है, हमें यह बताया गया है पहले चैप्टर में, पहली एक्सरसाइज में, कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, कैसे इसके ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ पेपर को हमने पहले विजुअलाइज किया हुआ है कि एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। मतलब हमारा ग्राफ पेपर कुछ इस प्रकार से होता है, x अक्ष, y अक्ष, ये x का नेगेटिव पोर्शन, ये y का नेगेटिव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हम प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ स्टडी में देख चुके हैं। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, पहली एक्सरसाइज में हमको ये कहा गया है कि तो जो लाइंस दी हुई है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसे एक ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कीजिए। हम ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं, देन हम दो लाइंस को ड्रा करते हैं, पहले एक लाइन फिर दो लाइन। दो लाइन को ड्रा करने पर हम ये पता लगाते हैं कि दे आर इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काट रही है, पैरेलल, एक दूसरे के समांतर है, या कोइंसिडेंट, एक दूसरे पर संपाती है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आती है। इससे हम अपना एक कैलकुलेशन निकालते हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये रेखाएं का नेचर क्या है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, है ना, प्रतिच्छेदी है या समांतर है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमसे कहा जाए कि 3x plus 4y equal to 5 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो एक सिंपल सी मेथड होती है, हम इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, तुरंत एक ब्लॉक बनाएंगे, इक्वेशन में x equal to 0 पुट करेंगे, यहां पर आ जाएगा 5 upon 4, 0 रखेंगे, y equal to 0 रखेंगे, x equal to 5 upon 3, 5 upon 4 मतलब 1.25, और ये हो जाएगा 1.67। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, x equal to 0, x equal to 0 हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ बनेगा, y axis पे, तो x equal to 0, तो y equal to 1.25, मतलब अपन y की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर कहीं 1.25 आएगी, x equal to कितना लेंगे, 1.67, और इन दोनों को यदि हम मिला दें, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जो कौन सी होती है, 3x plus 4y equal to 5। एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यदि हमारे पास कोई एग्जांपल है कि 2x plus 3y equal to 6, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y equal to 6। अब यदि हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो मैंने आपको बताया सबसे सिंपलेस्ट वे होता है, कुछ बुक्स में 1, 2, 3 लेके बताते हैं कि x equal to 1 लीजिए, y equal to 2 लीजिए, x equal to 3 लीजिए, और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको वेरियस पॉइंट्स को ढूंढना होते हैं। हमने पुरानी कक्षाओं में ये देखा है कि x equal to 0 मतलब y axis और y equal to 0 मतलब x axis। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा पॉइंट मिल जाता है। जैसे फिर से देखिए, x equal to 0 लिया, ये रखा y equal to 6 upon 3 मतलब 2, y equal to 0 लिया, इसको 0 लिया, x equal to 6 upon 2 means 3। अब आपको कुछ भी दिमाग में लगाना है, y equal to 2 दिया हुआ है, y equal to 2 पर पॉइंट बना दिया, x equal to 3 दिया हुआ है, 1 2 3 यहाँ पर लेकर पॉइंट बना दिया,
और इन दोनों को हमने मिला दिया, तो हमारा एक ग्राफ बन गया। सबसे सिंपलेस्ट मेथड, पहले x इक्वल टू जीरो रखो इक्वेशन में, y इक्वल टू जीरो, आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो साइड से कर लीजिएगा कि x इक्वल टू जीरो रखने पर जीरो प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, सो देट थ्री वाई इक्वल टू सिक्स और y इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, मतलब y इक्वल टू टू, आपके पास y इक्वल टू टू आ जाएगा, यहाँ टू रख दीजिए। अब x इक्वल टू जीरो रखने के बाद y इक्वल टू जीरो रखा तो टू एक्स प्लस जीरो इक्वल टू सिक्स, तो x इक्वल टू सिक्स अपॉन टू इक्वल टू थ्री, जो अभी हमने फाइंड आउट किया। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जिससे कि हम ग्राफ बना सकते हैं। अब आगे आगे हम बढ़े, आगे बढ़े तो दो रेखाएं बनाना है, क्या पता लगाना है वेदर क्या वो समांतर है, क्या वो संपाती है या वो प्रतिच्छेदी है। तो ये एक नेचर हमको पता लगाना है और उसको क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, निकाय, समीकरण निकाय। तो समीकरण निकाय को जब हम करते हैं तो समीकरण निकाय के लिए हमारे पास जो दूसरी एक्सरसाइज आती है, हम उसमें क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाकर ये देखते हैं कि रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। जैसे एक एग्जांपल है, अभी हमने लिया 2x + 3y = 6, ठीक है ना, या 7 ले लो, 2x + 3y = 6 लिया, फिर दूसरा ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू। अब हमने ये दो रेखाएं बनाई, अब इन दो रेखाओं के लिए हमने ग्राफ पेपर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले लिखेंगे लाइन वन, हम क्या लिखेंगे लाइन वन, हमारी लाइन वन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, हमारी लाइन वन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। प्लॉट बनाया x y, x इक्वल टू 0 रखा y इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 0 रखा x इक्वल टू 3 आया, हमने वही किया 1 2, ठीक है, फिर 1 2 3 दोनों को मिला दिया। जब आप ग्राफ पेपर पे देखें तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ पॉइंट आउट करना रहेगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये आपकी कौन सी बन गई लाइन 1। अब लाइन 2, आपने लाइन 2 रेखा 2 ली, क्या है रेखा 2 x plus y equal to 2, फिर ग्राफ बनाया x y, x equal to 0 रखा y equal to 2 आ गया, ठीक है, y equal to 0 रखा x equal to 2 आ गया, इसका मीन क्या हुआ y equal to 2 x equal to 2, यहां पर हमने एक रेखा खींच दी, ये लाइन 2। अब ये देखो लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यू पॉइंट क्या है 0 2, इसे क्या कहा जाएगा कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अब ये क्यों पता लगाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो आपने देख लिया कि वो एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन, एक हल है जहां ये एक दूसरे को काट रही है। जब दो लाइन एक दूसरे के सामने चल रही है उनके उनको सॉल्व करना है, x और y के मान निकालना है, उन रेखाओं का क्या होना जरूरी है, प्रतिच्छेदी होना जरूरी है, जो रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो ही उसका हल ज्ञात होगा। अब अपने सब समांतर में ऐसा क्यों नहीं होगा, हम देख लेते हैं। मान लो एक लाइन हमने ली 2x + 3y = 6, दूसरी लाइन ले ली 4x + 6y = 8। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, इसके ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो हम पता लगाते हैं कि इसकी रेखा कैसी बनती है, समांतर बनती है या प्रतिच्छेदी बनती है। तो लाइन 1 वो इसका है, लाइन 1 2x + 3y = 6, दूसरा 4x + 6y = 8, लाइन 1 2x + 3y = 6, हमने लिखा x, लिखा y, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू टू, y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री, लाइन टू x y, क्या है लाइन टू 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू 8 अपॉन 6, बोले तो 4 अपॉन 3, मतलब 1.33, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो
x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 4x प्लस 8 0 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 अपॉन 4। ठीक है, अब हम दोनों को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। पहला लिया है 1 2 3, 1 2, और इन दोनों को मिलाया। ओके, ये आपकी बन गई लाइन 1। लाइन 2 ले, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1.33 दे रहे हो, कुछ यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, ये दोनों लाइन दोनों पॉइंट्स को मिलाया। और जब हम इसको ओरिजिनली ग्राफ पेपर में मिलाएंगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल या समांतर होगी। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में कोई हल निकल रहा है क्या? जब झगड़ा होता है, सीधी सी बात है, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो झगड़े को शांत या झगड़े का हल क्या होता है, किसी एक बिंदु पर सहमति होना। किसी बिंदु पर जब सहमति होती है तो हमारा झगड़ा शांत हो जाता है, परंतु यहाँ तो किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं हो रही है। एक अपनी लाइन में जा रहा है, दूसरा अपनी लाइन में जा रहा है, और दोनों कहीं से कहीं तक एक दूसरे के साथ अपना विचार नहीं मिला रहे हैं। नहीं मिला रहा है इसका मतलब कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि भाई तू तेरे रास्ते जा रहा है, मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ, हम दोनों के मिलने का कोई चांस नहीं है। जब हम दोनों के मिलने का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब हम कोई हल नहीं दे सकते। ये सीधा सा एक छोटा सा फंडा है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पर काटेगी, एक पॉइंट पर काटेगी मतलब एक बिंदु एक ऐसा आ जाए जहाँ पर उसका उनकी समस्याओं का हल है कि भाई इस बिंदु पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अब इसलिए इसे क्या कहा कि इसका कोई हल नहीं होगा। एक तीसरी स्थिति बनती है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, जिसे संपाती बांध क्या होता है। अब यदि मान लो दो रेखाएं संपाती होती है, हम इसी एग्जाम्पल को ले लें, यहाँ पर हम ले लें 12, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब यही वाली रेखा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, 0, यही रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। जो ये रेखा एक दूसरे के ऊपर आ गई मतलब देर अनंत हल, हर बिंदु पर उसका हल है, हर बिंदु पर उसका हल है, मतलब कहीं पर भी वो अपने आप को हल कर सकती है। मतलब हल भले ही ज्ञात नहीं है, पक्का हल नहीं है, परंतु वो हर बिंदु पर अपना हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये अपनी साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि यदि दो समस्या दो रेखाओं का हल होगा, दो इक्वेशंस का हल होगा, यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यदि वो समांतर है, कहीं पर भी नहीं काटती है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। और यदि संपाती है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, इसका मतलब उसका प्रत्येक बिंदु उसका हल प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एक अद्वितीय हल होगा, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, और दो रेखाएं संपाती है तो उसके अनंत हल होंगे। यह हमारा एक ग्राफिकल एनालिसिस है, किसके लिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना और उसके द्वारा निष्कर्ष निकालना, यह कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, अब अपन आगे बढ़े तो अब हमारे पास कौन सी मेथड आती है, एनालिटिकल मेथड आ जाती है, विश्लेषिक विधियां आ जाती है, जिसे हम अपनी भाषा में गणितीय विधियां कहते हैं। ये कौन सी विधि थी, ग्राफिकल विधि। ग्राफिकल मेथड में हमने ये पता लगा दिया। उसके बाद में वैकल्पिक विश्लेषिक विधि या एनालिटिकल मेथड में हमारे पास तीन विधियां हैं, एक है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी है वज्रगुणन विधि, मतलब एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको एक नाम ही उसका, क्या नाम है, एलिमिनेशन, दूसरा क्या है प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या है वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाम से क्लियर होती है वो, जैसे पहली साइड आपकी बुक में सब्स्टिट्यूशन है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ले, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन क्या है, क्लियर नाम से ना, प्रतिस्थापन क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि हम एक चर की जगह दूसरे चर को रख दें तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापन करना। तो प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास कोई समीकरण है x प्लस y इक्वल टू 8 और x प्लस 2y इक्वल टू 11, ठीक है, अपन ने क्या ले लिया 11 या 30 ले लो, ज्यादा इससे अच्छा है। ठीक है, तो अब हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, हम इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर टू, हम आइदर ऑफ इक्वेशन लेंगे ऊपर या नीचे में से कोई सी एक इक्वेशन ली। हमने इक्वेशन नंबर वन लिया, x प्लस y पर टू 8 लिखा, y पर टू 8 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन करते तो आता है आपको, इससे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, y का मान समीकरण नंबर तीन से समीकरण नंबर दो में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण तीन से समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, प्रतिस्थापित करने पर x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 13, तो x प्लस टू प्रतिस्थापन करना है y की जगह किसको लेना है, y के मान को लेना है जो क्या है 8 माइनस एक्स इक्वल टू 13, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू 8 से 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 13, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ ऑपरेट हो जाएंगे, x माइनस 2x मींस माइनस x, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, और साइड ऑफ बिगर नंबर शुड बी कम्स आउट या आउटकम प्लस 16 इज इक्वल टू 13, प्लस 16 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 13 माइनस 16, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3, आपके पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज द सॉल्यूशन। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू 3 हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करने पर y इक्वल टू 8 माइनस x, सो दैट y इक्वल टू 8 माइनस 3, तो y इक्वल टू 5, सो दैट सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो इसे क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमको जो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंगल वेरिएबल रहेगा इस वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में, सॉल्व करेंगे, और जिस वेरिएबल के रूप में हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया था उसका मान आ जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस x इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे चर का मान आ जाएगा, और उस दूसरे चर के मान को और पहले चर के मान को एक साथ लिख के हम उसका आंसर लिख देंगे। तो यह कौन सी मेथड हो गई आपकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आती है आपकी एलिमिनेशन, उसके नाम से स्पष्ट है वो, एलिमिनेशन मतलब क्या कहते हैं हिंदी में उसको, क्या करना है आपको, विलोपन, विलोपन करना है, मतलब यहाँ पर आपने प्रतिस्थापित किया था, अब एक चर को विलोपित कर दो, एक चर को विलोपन कर दिया है, तो उस विधि का नाम होता है विलोपन विधि। जैसे हम इसी सम को विलोपन विधि के द्वारा हल करना चाहें तो हम कैसे हल करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। इसको हल करना चाहें तो हमको एक चर का विलोपन करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक से ये सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया, इसे जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है, और 2x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, हमको इसको हल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको कोएफिशिएंट क्या हुआ है, तो जब इसको एलिमिनेट करना है तो हम x का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 2, x के कोएफिशिएंट का इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 के कोएफिशिएंट का इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड व्हिच इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द स्टूडेंट, जो हमेशा स्टूडेंट्स के द्वारा हल की जाती है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 32, 2x प्लस y इज इक्वल टू 70। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट हुआ, 4y माइनस y 3y, सब्ट्रैक्ट करो 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, देखो हो गया ना एलिमिनेटेड। इसलिए इसको कौन सा मेथड कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। 15/3, 3 × 3, 3 × 5, 15, y का वैल्यू आ गया 5, y = 5,
अब y equal to 5 हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x plus 2y is equal to 16, so that x plus 2 into 5 equal to 16, तो x plus 10 equal to 16, तो x equal to 16 minus 10, बोले तो x equal to 6, आपके पास दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू आ गई, आप आपकी बुक में आंसर लिखेंगे, आंसर x equal to 6 and y equal to 5, that is the final answer and given by एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट को इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन सबट्रैक्टेड, उसको सबट्रैक्ट किया जाता है, सबट्रैक्ट करने के बाद में एक वेरिएबल का वैल्यू आता है, उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो हमारी इच्छा उसमें रखते हैं और उससे हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी मेथड आती है वज्रगुणन विधि, उसके पहले हमको वज्रगुणन विधि के पहले जिस प्रकार से हमने ग्राफिकल मेथड में इंटरसेक्टिंग पैरेलल और संपाति रेखाएं पता की थी, वैसे ही हम इसमें भी पता लगाते हैं कि किस कंडीशन में एक हल प्राप्त होता है, कोई हल प्राप्त नहीं होता है और अनंत हल नहीं प्राप्त होता है। तो अब उसको शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ओके बाय।